हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। देश को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री मंडलायुक्त सहित महानगर वासियों ने जलाए दिए। कहा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को मिल सकेगी मुक्ति। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम तथा आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न धर्म के गुरुओं से किया वार्ता। कहा, कोरोना वायरस को रोकने में दें अपना सहयोग, घरों में करें इबादत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने कोविड 19 के बचाव की समीक्षा। कहा, रणनीति बनाकर करें कार्य जिससे लगाया जा सके कोरोना पर लगाम। कमिश्नर डीएम एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा। क्वारंटाइन किए गए घरों के लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी। कहा, कोई दिक्कत हो तो दें सूचना, होगा समाधान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि गल्ला और पशुओं की चारा के दामों को किया गया है फिक्स, ओवर रेटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। निराश्रित पशुओं और आवारा कुत्तों के लिए भी अब भोजन होगा उपलब्ध। नन्हे बच्चों ने गरीबों की मदद के लिए महिला थाना प्रभारी को दिए 4600 रुपए की नकद धनराशि। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बच्चों को दिया धन्यवाद। कहा, बड़ों को भी लेनी चाहिए इनसे प्रेरणा। लॉकडाउन के दौरान सब्जियों के लगातार आवक से दामों में आई गिरावट। एडीएम सिटी ने कहा, डोर टू डोर हो रहा है सप्लाई। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बेलीपार थाना क्षेत्र के सभी धार्मिक समुदाय के धर्म गुरुओं और क्षेत्र के गणमान्यों की गई बैठक। एसपी साउथ ने कहा, जागरूकता से ही होगा कोरोना से बचाव। लॉकडाउन के शुरुआती दौर के बाद रविवार को सब्जियों के दामों में आई गिरावट। लोगों को मिल रहे हैं सस्ते दामों में सब्जियां। और लॉकडाउन के दौरान रविवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सीओ कैंट ने कहा, जनता का पूरा मिल रहा है सहयोग।